हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात से। मैं जा रही हूँ शादी में और बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं। तो हम लोग सब लोग निकल रहे हैं शादी के लिए और हम लोग भी रेडी हो गए। पापा लोग और सब लोग तैयार हो गए हैं और देवर आया है बाहर दिल्ली से शादी में जाने के लिए। तो हमारे यहाँ जो पूजा कमेटी के सदस्य हैं, जो हमारी पूरी फैमिली है, आज उन्हीं में से एक लोग के बेटे की शादी है, जो हमारी काकी लगती हैं। काकी मीन्स चाची लगती हैं, उन्हीं के बेटे की शादी है आज। तो मतलब शादी क्या है, रिसेप्शन है। शादी थी 28 तारीख को शादी थी, आज रिसेप्शन है। तो हम लोग रिसेप्शन में जा रहे हैं फ्रेंड्स, और वहाँ चल करके आपको फिर से जो लोग आप लोग को ब्लॉग में, दुर्गा पूजा के ब्लॉग में आप लोग को मिले थे, वो आज फिर से आप लोग को दिखेंगे और मिलेंगे। हमारे यहाँ डॉगी बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसी वजह से उसी की आवाज़ आ रही है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तीन तीन डॉगी है ना, इसलिए परेशान रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं शादी में, मिलते हैं आप लोग को वहाँ सब लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं गेस्ट हाउस और यहाँ पे अभी दूल्हा दुल्हन नहीं आए हैं। तो देखिए, सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी सभी काकी लोग आई हुई हैं शादी में। ये सब दुर्गा पूजा वाली काकी और बौदी हैं। देखिए, वो जो पीछे ग्रीन साड़ी पहने हैं वो बौदी हैं, और ये ब्लैक सूट में हाय कर रही काकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब मेरी काकी लोग बैठी हैं। ये काकी लोग कहीं जहाँ फोटो लेता वहाँ शुरू हो जाती है। और ये मेरी बौदी बैठी हुई है, ये बौदी की बेटी बैठी हुई है। हम लोग आए शादी में, है ना काकी, शादी में आए। सीजन शुरू हो गया शादी का। अभी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आएंगे, फिर आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया था स्नैक्स, तो मैं खा रही हूँ स्नैक्स। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं, ये यहाँ पर बैठ गए हैं। अब जिसको भी गिफ्ट देना है, मिलना है, फ़ोटो खिंचवानी है दूल्हा दुल्हन के साथ, सब लोग जाएंगे स्टेज पे। तो अभी मैं मिलवाती हूँ जो ये जो बेटा है काकी का, उनकी सभी टीचरें आई हुई हैं, तो वो सब यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रही हैं। फ्रेंड्स देखिए कितनी भीड़ है, ये सारी इनकी टीचर्स हैं। और ये लव मैरिज शादी है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो ये बचपन का प्यार है, लव मैरिज शादी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं और सभी लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ थी यहाँ पे, और यहाँ पे काकू खड़े हैं, कुछ काकी से बोल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं काकू। तो ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, सभी लेडीज़ हैं। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह चल रहा था, कॉफ़ी वॉफ़ी वगैरह। और चलिए मैं आप लोग को मेनू दिखाती हूँ। तो मेनू में है बटर चिकन, तो ये बटर चिकन था। और हम बंगालियों में नॉन वेज ही बनता है, वेज ही बनता है, तो आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये बटर चिकन। आगे दिखाते हैं, आगे है मटन स्टू। तो यहाँ पे मटन स्टू बना हुआ था, ये देखिए आप लोग को दिखा देते हैं पूरी रेसिपी, जो जो भी बना मैं सब आप लोग को दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है फिश फ्राई, और उसके आगे है ये पुलाव, तो ये वेज पुलाव था। और आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे है फ्रूट रायता, ये जो फ्रूट का बनता है ना दही में डाल करके, ये वही रहता है। और यहाँ पे है पापड़, तो आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे है पूड़ी, जिसको नान नहीं खाना है तो तंदूरी रोटी वगैरह पूड़ी खा सकता है। और इसके आगे यहाँ पे था दाल मखनी, तो ये थी दाल मखनी। और इसके आगे और चलते हैं, तो ये है मिक्स वेज, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, मुझे तो मिक्स वेज बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे है पालक मेथी पनीर, ये पनीर की सब्जी थी। और इसके आगे मैं दिखाती हूँ, ये है कॉर्न पालक की सब्जी, तो ये भी बहुत अच्छी बनी थी। तो फ्रेंड्स, खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी। और आइए आगे और दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पर है सूप और कॉफ़ी, तो ये था पूरा मेनू। और इधर था कबाब पराठे, तो ये नॉन वेज चिकन कबाब और पराठा है, चिकन कबाब पराठा। और आगे दिखाते हैं, और इसमें सैलड वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छा सजावट की गई थी, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था सलाद का।
सैलेड का जिसका, तो आगे दिखाते हैं। यहाँ पे प्लेटें रखी हुई थी, यहाँ से सभी लोग उठा के ले रहे थे। और आगे यहाँ पे रोटी रखी जाई थी, गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही थी, तंदूरी रोटी और मिस्सी रोटी, तो यहीं पे बन रहा था और यहाँ से लोग ले करके उसके बाद खाना खा रहे थे। आगे मैं अपना आप लोग को गेस्ट हाउस दिखाती हूँ, जहाँ पे मेरी काकी की बेटी की शादी थी। ये देखिए, ये रामा देवी में जगदम्बा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे थी ये शादी। काफ़ी बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस है, जिसको भी लेना है आप लोग ले सकते हैं शादी वगैरह पार्टी वगैरह के लिए। और यहाँ पे है डिज़र्ट, तो यहाँ पे डिज़र्ट में था, यहाँ पे ये रबड़ी थी, जलेबी थी और गुलाब जामुन था। तो ये गुलाब जामुन, तो मैंने तो सब कुछ ट्राई किया था, थोड़ा थोड़ा सा सब ट्राई लिया किया था। और यहाँ पे कुल्फ़ी थी यार, बहुत अच्छी टेस्टी थी वो कुल्फ़ी, फ्रूट कुल्फ़ी थी, उसमें खूब ढेर सारे फ्रूट पड़े थे, बहुत टेस्टी थी। लेकिन ठंड की वजह से खाई नहीं जा रही थी, तो मैंने तो थोड़ी सी खाई थी, लेकिन काफ़ी टेस्टी कुल्फ़ी बनी थी। अरे मेरे देवर जी खाना खा रहे हैं, जल्दी जल्दी क्या खा रहे हो? नॉन वेज और नॉन वेज दोनों है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी भाभी, मेरी जिठानी और मेरी फ्रेंड खाना खा रही है। हम लोग खा चुके हैं, लेट हो गई। आपको टमाटर खाते हैं? सलाद में अच्छा लगता है टमाटर, मुझे सबसे ज्यादा सलाद। हाँ, टमाटर भी अच्छा लगता है सलाद में। वेज बिरयानी का खाओ, बिरयानी टमाटर आज बनाई। वेज नॉन मेरा ब्लॉग बहुत देखिए, ये लो थोड़ा पूछने के लिए हम लिए खड़े हैं, ये मर्जी है बहन के लिए खड़े हैं। नॉन डब्बूदा को देख के आ रहे हैं कभी जो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी काकी है, गोदी है और मेरी दीदा है, सब लोग खाना खा रहे हैं। सब लोग से मिल लीजिए काकी। हेलो दीदा, दीदा बहुत टेस्टी खाना है, बहुत टेस्टी खाना है, सब लोगों ने खा लिया। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया था, पार्टी हो गई थी ख़त्म, सभी लोग जा रहे थे अपने अपने घर। हम लोगों ने भी ओला किया और घर के लिए निकल लिए हैं फ्रेंड्स। तो कल हमें एक और प्रोग्राम में जाना है मेहंदी में, वो भी हमारे दुर्गा पूजा के सदस्य हैं, उनकी बेटी की मेहंदी है, तो हम लोग वहाँ भी कल जाएंगे, वहाँ का भी कल दिखाएंगे। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी लोग। और हम आगे मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, उसमें बेटे की माँ ने रेड और वाइट बंगाली साड़ी पहनी है, देखिएगा ज़रूर। और मेरे ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और सब मेरी फ़ोटो मेरे हस्बैंड के साथ, सब काकी और बौद्धी लोग के साथ एंजॉय कीजिएगा। और सब लोग, आप लोग को कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।